नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के भाग 16 के बारे में चर्चा कर रही हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक कुटिया है जिसमें एक ओर तीर, धनुष, भान, बर्छा, भाला और विविध प्रकार के हथियार टंगे हुए हैं, और वहीं दूसरी ओर तप के साधन है, पूजा पाठ की सामग्री है, कहीं पुष्प है, मृगछाला बिछा हुआ है, तो पूजा में काम आने वाले विविध सामग्री उस कुटिया में पड़े हुए हैं। तो जो पथिक जाता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये कुटिया किसका हो सकता है, कौन है इस कुटिया में जो कि एक साथ धनुष को भी धारण करता है और एक दूसरी ओर तप और पूजा पाठ भी करता है। तो आइए देखते हैं आगे की कहानी क्या होता है। किंतु कौन नर्तपोनिष्ठ है, किंतु कौन नर्तपोनिष्ठ है, यहाँ धनुष धरने वाला एक साथ अज्ञागिनी और असी की पूजा करने वाला, कहता है इतिहास, कहता है इतिहास, जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी और तप में महासूर्य जैसा। दूसरा स्टांजा है, मुख में वेद, पिठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल, साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है, यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनित वंशधर, व्रती वीर प्रणपाली का। तीसरा है, हाँ हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचर, आश्रम से किंचित हटकर पत्तों से छन छन कर माघ धूप की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। भावार्थ बताती हूँ। जो पथिक जाते हैं और ये देखते हैं कुटिया विस्तृत है, एक पहाड़ पर है, चारों तरफ हरियाली है, स्वतंत्र रूप से जीव विचर रहे हैं और उस कुटिया में एक और हथियार है, युद्ध करने के सामान टंगे हुए हैं, धनुष है, फरसा है, बर्छा है, भाला है और वहीं दूसरी ओर पूजा पाठ की विविध सामग्री है। तो जो पथिक जा रहा है, जो यात्री जा रहे हैं, वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि आखिर इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है, किसकी एक कुटिया हो सकती है जो एक साथ दोनों ही काम करता है। और इतिहास कहता है, इतिहास इसका गवाह है कि आज तक संसार में केवल और केवल एक ही व्यक्ति हुआ है, वह है गुरु परशुराम, भगवान परशुराम, ऋषि परशुराम, जिन्होंने एक साथ तलवार को धारण किया है, धनुष को धारण किया है, तो तप में उन्होंने महाप्रचंड सूर्य की भांति हैं। सूर्य की जब जेठ की दोपहरी आती है तो आप देखते हैं तिलमिला जाते हैं। तो ऐसा जो गुण है, एक ही व्यक्ति है समाज में, संसार में, और वो है परशुराम। और यह कुटिया उन्हीं परशुराम जी का है, वो उन्हीं महामुनि परशुराम जी का है, वही उसी ऋषि परशुराम जी का है जो रण में युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो जमराज भी उनसे कांपने लगते हैं, जो शत्रुओं को जमलों पहुंचाते हैं और अगर वो तप करते हैं तो प्रचंड सूर्य की भांति करते हैं, उनका तप इतना घनघोर होता है जिनको देख करके कोई सामान्य व्यक्ति उनके तप को सहन नहीं कर सकता है। दूसरा स्टांजा में, मुख में वेद, उनके मुख में वेद है, पिठ पर तरकस है, कर कहते हैं हाथ को, हाथ में कठिन कुठार विमल है और उस महामुनि जो परशुराम जी हैं, वे परशुराम जी के यहां पर परिचय बताया जा रहा है। परशुराम जी कैसे हैं, भृगु वंश के परम पुनित वंशधर, व्रती वीर प्रणपाली का। यह किनका है, यह कुटिया उनकी है जो भृगु ऋषि के वंशधर हैं, जिनके पिता जमदाग्नि, जिनकी माता रेणुका है, उनके पुत्र परशुराम जी बड़े वीर हैं, व्रती हैं, अपने प्रण का पालन करने वाले हैं, प्रण का पालन करने वाले, इनसे बढ़कर के कोई नहीं होगा। आप जानते होंगे, थोड़ी सी इतिहास में जाते हैं, उनके पिता ने आज्ञा दिया था कि अपनी मां रेणुका का सिर अलग कर दो। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके अपने मां का गर्दन धड़ से अलग कर दिया था, सिर धड़ से अलग कर दिया था और फिर
पिता को प्रसन्न कर लिया। पिता प्रसन्न हुए तो उन्होंने पूछा, बेटा वरदान मांगो। उन्होंने कहा, पिताजी अगर आप वरदान मांगना देना चाहते हैं तो पुनः मेरी माता को आप जीवित कर दीजिए। ऐसा पुत्र परशुराम थे जिन्होंने अपने परिवार को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, अपने पिता की आज्ञा का भी पालन किया और पुनः अपनी माता को जीवित किया। तो कैसे है ये भृगु के परम पुनीत वंशधर हैं, व्रती हैं, वीर हैं, प्रणपाली हैं। और सांप और सर, सांप कहते हैं अभिश्राप को, कहते ना उन्होंने कर्ण को भी तो लास्ट समय में, अंतिम समय में श्राप दिया था कि जो मैंने सिखाया तुमने चूंकि मेरे साथ छल किया है, तुम ब्राह्मण नहीं हो, इसके बावजूद भी तुमने मुझसे छल करके विद्या अध्ययन किया है तो अंत समय में तुम्हें काम नहीं आएगा। तो वो सांप और सर इन महान ऋषि के संबल थे। और सर किसको कहते हैं, बाण को। उनके जब बाण चलते थे तो उनके हाहाकार से सारी योद्धा भाग जाते थे। और आपको ज्ञात होगा उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी पर से क्षत्रियों का नाश किया था युद्ध में। तो ये क्या था, उस ऋषि के सांप और सर दोनों ही थे उस महान ऋषि के संबल। और यह कुटीर उसी महामुनि परशुराम बलशाली का यह कुटिया है जो भृगु ऋषि के वंशधर हैं, व्रती हैं, वीर हैं और अपने प्राण का पालन करने वाले हैं। और देखिए तीसरा सनंजा, हाँ 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 वही करने की जांघों पर वही ऋषि, वही महामुनि परशुराम, वही तेजस्वी परशुराम, वही भगवान परशुराम करने की जांघों पर अपने मस्तक को धरकर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। कहाँ सो रहे हैं, अपने आश्रम से थोड़ा दूर हटकर और तरुवर के नीचे, तरु कहते हैं वृक्ष को, वृक्ष के नीचे वो कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक रख करके सो रहे हैं। पत्तों से छन छन कर माघ का महीना है और धूप आती है। और जब देखिए माघ के महीने में जब धूप आती है तो कितना अच्छा लगता है। और वो धूप जब पत्तों से छन छन करके आ रही है, वो मुनि के परशुराम जी के थके हुए देह पर पड़ करके उनके थकान को मिटाती है। तो आज मैंने आपको ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। पुनः मैं इनको दो लाइन में कह करके अपनी बात को समाप्त करती हूँ। किंतु कौन नर्तपोनिष्ठ है, यहाँ धनुष धरने वाला एक साथ है ज्ञागिनी और असी की पूजा करने वाला है। कहता है इतिहास, जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा, मुख में वेद, पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल। सांप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परम वीर परशुराम बलशाली का, भृगु के परम वंशधर, व्रती वीर प्रणपाली का। और तीसरा सांझा, हाँ हाँ वही करने की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे, आश्रम से किंचित हटकर पत्तों से छन छन कर धूप माघ की आती है और पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार।